हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया वो है इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स जायंट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। ऐसे चार स्टॉक्स लाए हूँ जो फाइनेंस सेक्टर के जायंट है, चारों चार निफ्टी 50 का हिस्सा है, चारों डेट फ्री कंपनीज़ है और ये ऐसे स्टॉक्स है जो मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में कभी भी लेके जा सकते हैं। हैवी वेट से फाइनेंशियल सेक्टर के वॉलीटाइल स्टॉक्स है, तो जो इन्वेस्टर्स को वॉलीटिलिटी पसंद है और जिनका व्यू एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का है या फिर मीडियम टर्म का कह सकते हैं कम से कम, वो लोग इस स्टॉक को इस स्टॉक में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कीजिए या इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए। शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स जो या शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स ये स्टॉक को ज़्यादा करके पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म में जो इसका रिटर्न है वो इनकन्सिस्टेंट है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, मीडियम टर्म की बात करें, एक्चुअल रिटर्न्स की बात करें, एक्चुअल हैवी वेट्स की बात करें, तो ये चारों स्टॉक्स उसमें एग्जैक्टली फुलफिल होते हैं। तो कौन से ये स्टॉक्स है ये वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही में वीडियो की शुरुआत में बताना चाहूँगा, कल जो हमने मार्केट में क्रैश आते हुए देखा था 1700 पॉइंट का सेंसेक्स की तरफ से और निफ्टी की तरफ से करीबन 500 पॉइंट का करेक्शन आया था, आज के दिन पे हम देख रहे हैं निफ्टी ने रिकवर किया है करीबन 225 पॉइंट के आसपास और सेंसेक्स ने रिकवर किया है 700 पॉइंट के आसपास। आज की जो मार्केट की रैली थी उसमें ज़्यादा करके मेटल स्टॉक्स ने रैली किया है, बैंकिंग सेक्टर ने रैली किया है और ऑटो सेक्टर ने रैली किया है। कल ही मैंने कहा था कल के मेरे शाम के वीडियो में कि मार्केट में जब भी करेक्शन आए तो गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। उसमें से मैंने कल एक रिकमेंड किया था M&M, HDFC, टाटा मोटर्स, SBI, ये सभी स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए थे और आज हम देख रहे हैं सभी स्टॉक्स में अच्छे से रैली आया है। तो हमेशा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल आपका जो कैपिटल है उसका 10-20% हमेशा स्पेयर रखे ऐसे सिनेरियो का एडवांटेज लेने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, SIP मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स भी है काफ़ी सारे हमारी कंपनी के और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। तो सबसे पहले एक वीडियो का ओवरव्यू देना चाहूँगा आपको। इन दिस वीडियो वी विल सी इनसाइट्स ऑन फोर स्टॉक्स विच आर जायंट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। दे आर पार्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स। दीज ऑल फोर स्टॉक्स आर डेट फ्री स्टॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनेंस सेक्टर में होने के बावजूद, NBFC सेक्टर में होने के बावजूद, ये चारों स्टॉक्स डेट फ्री स्टॉक्स है। दीज फोर स्टॉक्स कैन ड्राइव द मार्केट एनी वेयर दे वॉन्ट। दीज फोर कंपनीज आर द बेस्ट फॉर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। कई इन्वेस्टर्स बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाते हैं ये स्टॉक में, जो बुरी बात नहीं, SIP के फॉर्म पे या फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी में भी ये स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाई दिस फोर स्टॉक्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन निफ्टी 50। क्यों ये ज़्यादा करके अगर निफ्टी 50 की बात करते हो तो सबसे पहले ये स्टार स्टॉक्स हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में आता है, ऐसा क्यों है? सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस कह सकते हैं NBFC सेक्टर का जायंट है और इससे बड़ी कंपनी NBFC सेक्टर में कोई नहीं है। 52 वीक लो की बात करें तो करीबन 1783 के आसपास था और 52 वीक हाई की बात करें तो करीबन 5800 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, जब भी मार्केट में एक शैलो करेक्शन आता है या फिर डीप करेक्शन आता है, जो हमने कल देखा ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट का एक डीप करेक्शन था, लेकिन ओवरऑल अगर 3 महीने की बात करें तो ऐसे छोटे मोटे करेक्शंस आते रहे हैं स्टॉक मार्केट में इस समय और ये सब शैलो करेक्शंस है। कल ही मैंने कहा था कि ड्यू टू FIS फ्लो जो अक्टूबर से हमने देखा है, अक्टूबर से लेके अब तक जो FIS का इनफ्लो आया है स्टॉक मार्केट में, जो आने वाले Q4s है इंडियन कंपनीज़ के, वो सभी Q4s बेहतरीन आने वाले, स्पेशली IT सेक्टर के, टेलीकॉम सेक्टर के, फार्मा सेक्टर के या फिर कह सकते हैं हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर के, तो ये सब Q4s भी मार्केट को बूस्ट करेंगे और यही मार्केट को आगे की तरफ रैली में लेके जाएंगे अलॉन्ग विद द FIS फ्लोस। प्राइमरी कह सकते हैं जो कॉज है मार्केट के बुलिश रन का वो है FIS का, सेकेंडरी कॉज सब ये सब Q4 रिजल्ट्स आएंगे और आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और ऐसे करेक्शन में अगर ऐसे सब हैवी वेट्स का आप फ़ायदा नहीं लेंगे, ऐसे सब हैवी वेट्स पे इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं लेंगे, तो फिर कितना और बॉटम आपको एक्सपेक्टेड है कि नीचे आएगा? मार्केट में बॉटम कभी भी कोई कह सकते हैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा। उसी तरीके से ये जो चारों हैवी वेट्स है वो वॉलेटाइल स्टॉक्स है, इनके भी बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो सबसे पहले ये मार्केट के साथ ये नीचे जाते हैं। और जब भी मार्केट में एक रिवर्सल मूवमेंट आता है, बुल रन आता है, तो बुल रन में सबसे पहले ये चार स्टॉक्स और ऐसे कई सारे हैवी वेट्स मार्केट के पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो ऐसे हैवी वेट्स जो मार्केट को नीचे की भी ला सकते हैं और मार्केट को वापस ऊपर की तरफ भी खींच सकते हैं, वैसे स्टॉक्स हमेशा अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए।
इसके अगर एक मंथ की चार्ट की बात करें तो एक मंथ में जैसे हमने देखा है आपके स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है, एक महीने पहले करीबन ये 5400 के आसपास ये स्टॉक था, जो इस समय 4600 के आसपास आपको मिल रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 400 प्लस 300, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 700 पॉइंट का करेक्शन ये स्टॉक में आ चुका है एक महीने में। और कल के दिन पे आपके जो एंड में जो बड़ा कैंडल दिख रहा है साइड मिल रहा है लेफ्ट राइट हैंड साइड के बॉटम में आपके स्क्रीन पे, वो सबसे बड़ा कैंडल कल के दिन का ही है उसका। कल के दिन पे करीबन 8 से 8.5% ये डाउन हुआ था। तो ऐसे स्टॉक्स को जब भी ऐसे स्टॉक्स में करेक्शन आता है तो इमीडिएटली ऐसे स्टॉक्स में अपना पोजीशन क्रिएट कीजिए। जैसे आज के दिन पे हमने देखा डॉक्टर लालपात लैब्स करीबन 11% करेक्शन के साथ ये क्लोज हुआ है, तो वैसे स्टॉक्स में इमीडिएटली इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक्स है जो मार्केट को ड्राइव करते हैं और ऐसे स्टॉक्स है जो इमीडिएटली कभी भी यू टर्न मार के ऊपर की तरफ वापस जा सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में से सबसे पहला जो स्टॉक लाया हुआ है बजाज फाइनेंस आपके लिए, दूसरा स्टॉक जो लाया हुआ है HDFC फाइनेंस लिमिटेड। HDFC हम देख रहे हैं करीबन 2800 से इस समय 2400 तक आ गया था। कल के दिन के अगर इसके बॉटम देखें तो करीबन 2380 के आसपास इसका बॉटम था। अगर 52 वीक लो देखें तो करीबन 1486 के आसपास है, और अगर 52 वीक हाई की बात करें तो करीबन 2896 का इसका 52 वीक हाई है। तो ऑलमोस्ट 2900 के लेवल से ये 2300 के लेवल तक कल तक आया था, और इस समय अगर आज का क्लोजिंग देखें तो 2512 का आज का क्लोजिंग है, और अगर कल का उसका क्लोजिंग देखें तो 2419 का इसका क्लोजिंग है। तो ऑलमोस्ट 100 रुपया ऊपर आज बंद हुआ है। तो वैसे स्टॉक्स में मैं हर बार कहता हूँ, जब भी मार्केट में डीप करेक्शन आए या फिर शैलो करेक्शन आए, इमीडिएटली ऐसे हैवी वेट्स में अपना पोजीशन क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब भी मार्केट में तुरंत रिकवरी होता है तो ऐसे स्टॉक्स ही वो रिकवरी को और बढ़ावा देते हैं। आज का अगर देखें तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 4% ऊपर बंद हुआ है ये स्टॉक। ये जो भाव दिख रहा है वो करीबन दोपहर के 12 बजे के आसपास का रेट है। आज का अगर क्लोजिंग देखें तो 2512 के आसपास ये हैवी वेट क्लोज हुआ है, और आने वाले समय में HDFC से बड़ा कोई भी फाइनेंस कंपनी इंडिया में नहीं होने वाला है। इसे अगर आप अच्छे से होल्ड करते तो एक साल में बहुत ही बेहतरीन आपको पैसा देगा ये स्टॉक। एक मंथ की चार्ट की बात करें तो करीबन एक महीने पहले ये स्टॉक का अगर हाई देखें तो करीबन 2616 के आसपास था, जो मैंने कल का बॉटम आपको बताया 2380 के आसपास ये गया था, और इस समय 2512 के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी वॉलेटाइल है ये एक महीने में, एक महीने का जो इसका मूवमेंट देख रहे हैं हम, और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको 2800-2900 या कह सकते हैं 3000 के लेवल पर भी ये स्टॉक जा सकता है, अगर आप इसे अच्छे से होल्ड करेंगे एटलीस्ट 6 से 12 महीना। तीसरा जो स्टॉक मैं लाया हूँ वो HDFC बैंक, और एक बैंकिंग सेक्टर का जायंट। बैंकिंग सेक्टर की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहला किसी का नाम आता है वो है HDFC बैंक। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है, इसके अगर 7 पैरामीटर्स देखें फंडामेंटल्स के, काफ़ी बढ़िया है, सभी फंडामेंटल पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, HDFC का जो लोन का जो बिजनेस है, लोन का जो उनका देने का कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर स्टाइल है लोन देने का, ज़्यादा करके वो रिटेल इन्वेस्टर्स को लोन देते हैं, बड़े रिटेल क्लाइंट्स को लोन देते हैं, ना कि बड़े क्लाइंट्स को लोन देते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं या बड़ी कंपनीज रहती है उनको वो लोन कम प्रोवाइड करती है, क्योंकि वहाँ पे उनका पैसा डूबने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और वहाँ पे अगर पैसा डूबता है तो बड़ा पैसा डूबता है। लेकिन अगर रिटेल के पास पैसा डूबता है, रिटेल पब्लिक के पास पैसा, अगर लोन रिकवरी नहीं कर पाते हैं वो, तो स्मॉल अमाउंट रहता है, उतना बर्डन ये खुद बैंक ले सकती है। तो ये मेन पॉइंट है, लोन उसका जो लोन का देने का स्टाइल है HDFC बैंक का, वो बहुत ही बढ़िया है, और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में जब भी कोई बैंक की बात करते हैं सबसे पहले HDFC बैंक का नाम आता है। 52 वीक लो की बात करें तो करीबन 826 के आसपास है, और 52 वीक हाई की बात करें तो करीबन 1640 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। एक मंथ की चार्ट की पैटर्न की बात करें तो करीबन 1800 के आसपास इसका 52 वीक कह सकते हैं 1800 के आसपास एक मंथ के पहले अगर ये देखें तो करीबन 1556 के आसपास ये स्टॉक गया था, और इस समय 1556 से लेकर 1370 तक ये स्टॉक आ चुका है। आज का अगर क्लोजिंग देखें तो करीबन 1400 के आसपास इसका क्लोजिंग है, तो बेहतरीन रिकवरी हुआ है। कल का अगर इसका हम कह सकते हैं लो देखें तो करीबन 1350 के आसपास इसका लो था। बेहतरीन स्टॉक है HDFC बैंक, और HDFC बैंक अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो नंबर वन बैंक है। चौथा जो फाइनल स्टॉक लाया हुआ है बजाज फिनसर्व। ज़्यादा करके इन्वेस्टर्स इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि इसका जो प्राइस वॉल्यूम है वो करीबन 10,000 का ये स्टॉक है, 9,000 का ये स्टॉक है। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से होल्ड करेंगे, छोटा क्वांटिटी भी 10 से 12 स्टॉक भी आपने इसके एटलीस्ट 1 से 1.5 साल होल्ड किए, तो आने वाले 1 से 1.5 साल में आपका पैसा 3 गुना भी हो सकता है, ये स्टॉक की इतनी कैपेबिलिटी है। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो ये स्टॉक 1 साल पहले करीबन 52 वीक लो देखे तो 3900 के आसपास था, जो इस समय 52 वीक हाई देखे तो 10,570 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। नेट डेट फ्री है,
फाइनेंस सेक्टर में रह के डेब्ट फ्री होना, रियलिटी सेक्टर में होकर डेब्ट फ्री होना, ये बहुत बड़ी बात है। रियलिटी सेक्टर में मैंने दो दिन पहले ही वीडियो बनाया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इकलौती कंपनी है रियलिटी सेक्टर की जो डेब्ट फ्री होकर भी काम कर रही है, और उसी तरह से बजाज फिनसर्व डेब्ट फ्री होकर काम करना फाइनेंस में बहुत बड़ी बात होती है। वो एक महीने की चार्ट की पैटर्न की बात करें तो एक महीने पहले करीबन ये 9,800 के आसपास था, इस समय 9,400 के आसपास मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 450 रुपये का गैप आपको मिल रहा है। और कल के इसके बॉटम की बात करें तो करीबन 9,100 तक ये कल बॉटम गया था, करीबन ये भी 7-8% कल डाउन हुआ था। और आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो 9,600 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, हैवी वेट है फाइनेंस सेक्टर का, और इसे इस जो आज का जो वीडियो है उसे हम कॉम्बिनेशन में कहते हैं H2B2। H2 यानी कि HDFC बैंक HDFC और B2 यानी बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व। H2B2 ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें। और ये फाइनेंस सेक्टर का मैं क्यों इतना एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ निफ्टी 50 में, क्योंकि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस समय अगर निफ्टी 50 का वेटेज की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज है निफ्टी 50 में 38%। उसके बाद IT, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, मेटल्स, ये सब आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर 38% निफ्टी 50 का वेटेज जो ले रहा है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। और फाइनेंशियल सर्विसेज के 38% का अगर ब्रेकअप देखें तो HDFC बैंक सबसे पहला है 25.5% के साथ। तो बहुत ही बढ़िया वेटेज है HDFC बैंक का फाइनेंशियल सेक्टर में, और वो फाइनेंशियल सेक्टर का जो 38% है वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। HDFC सेकेंड नंबर पे आ रहा है 17.67% के साथ, और अगर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की बात करें तो 5.36 और 2.30 के आसपास उनका वेटेज है। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं H2B2 कॉम्बिनेशन। H2 यानी HDFC बैंक HDFC, B2 यानी बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ये कॉम्बिनेशन के साथ हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ये चार स्टॉक्स को इंक्लूड कीजिए। जो इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी पसंद है, जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है, और जो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, ये स्टार क्राइटेरिया उसमें अपने इन्वेस्टमेंट पे पहले रख लीजिए। बाय ऑन डिप्स सेकेंड, आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म इन स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर एक साल के रिटर्न की बात करें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की, तो करीबन 99.50% और 107% ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया है दोनों कंपनीज ने एक साल में। और अगर HDFC बैंक की बात करें, HDFC बैंक और HDFC की बात करें तो कल ऑलमोस्ट 51% और 59% ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50% 60% रिटर्न्स दिया है पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो स्टॉक्स है वो शॉर्ट टर्म में आपको इनकंसिस्टेंट रिटर्न देंगे, लेकिन अगर आपने इस स्टॉक को होल्ड किया अच्छे से एटलीस्ट 6 से 12 महीना तो बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिल सकता है। तो ये आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद है। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि दिन में दो बार कुछ ना कुछ छोटी लर्निंग्स मिले, और वीकली ऐसे 7 से 8 बड़े वीडियोज़ मिले जिससे आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों बेहतर हो सके। थैंक यू।